पर चर्चा चली हुई है और सीएबी जो कि एक्ट बन गया, सीए हो गया, उसमें भारत के संविधान की जो मूल भावना है इक्वलिटी की, सोशल जस्टिस की, इक्वलिटी में सभी भारत के अंदर समान अधिकार हर धर्म हर वर्ग हर जात के लोगों के लिए, उसका उल्लंघन हुआ है। सीएबी की आवश्यकता क्या थी, सीए की आवश्यकता क्या थी? केंद्र सरकार के पास जिसको नागरिकता देनी है उसको, वो अधिकार उनके पास है और उसकी एक प्रक्रिया है। पूर्व के कानून में 11 साल लॉन्ग टर्म वीजा पे कोई रहे तो उसे नागरिकता के लिए आवेदन देता था और इंटेलिजेंस ब्यूरो उसकी जांच करती थी और उसके बाद तय करते थे नागरिकता देना कि नहीं देना, राज्य सरकार अपनी रिकमेंडेशन देती। उस कानून में जिसको आपको देना था दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, ये कानून लाने की जरूरत क्या थी? ये कानून इसलिए केवल लाए हैं कि उन्हें देश के मुसलमानों को डराना धमकाना है कि अब की शुरुआत है और अभी तो केवल हमने बाहर के लोगों के लिए, अब तुम्हारे लिए भी कर देंगे, भारत के संविधान को हमने उल्लंघन कर दिया, उसको रोक सकते हो तो रोको। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, एक तरफ आरएसएस कहती है कि जो हिंदुस्तान में जन्मा वो हिंदू, अगर ये परिभाषा सही है तो जो हिंदू अमेरिका में जन्मा वो क्या होगा, वो क्या होगा, जो अफ्रीका में जन्मा उसका क्या होगा? कंफ्यूज है, अलग अलग बातें करते हैं, कभी कहते हैं आरक्षण समाप्त होना चाहिए, कभी कहते नहीं होना चाहिए। अमित शाह ये कहते थे कि असम में 40 लाख बांग्लादेशी मुसलमान घुस आए, एनआरसी तैयार हुआ, 19.5 लाख निकले, उस 19.5 लाख में 12.5 लाख हिंदू हैं, नेपाली हैं, केवल 7 लाख मुसलमान हैं। अब अपनी गलती को ठीक करने के लिए अब वो पूरे एनआरसी को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, और ये भी अजीब बात है। 2019 के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहते हैं हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, अमित शाह जी कहते हैं एनआरसी हम लागू करेंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताते हैं, पहले सिटीजन एक्ट, फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और फिर एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे, क्रोनोलॉजी समझाएं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, सब झूठ बोलते हैं, 130 करोड़ जनता से मैं कहना चाहता हूं एनआरसी की चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई तो महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण का तो कैबिनेट के अप्रूवल होता है, यानी कि आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया अपनी कैबिनेट पर कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के राष्ट्रपति जी का अभिभाषण छपवा दिया और उनसे वो बात कहला दी जो कभी डिस्कस नहीं हुई, ये हमारी समझ से परे, कौन सही बोलता है? आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश का हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राष्ट्रभक्त है, लेकिन जो मापदंड आप लोगों ने तय किए हुए हैं, मेरा सीधा आरोप अमित शाह जी पर है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर है कि आपका जो मापदंड है राष्ट्रभक्ति का और देशद्रोही का वो दूषित है। डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा जाता है,
आतंकियों के साथ, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगता, उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगता। वो कौन है? वो व्यक्ति है जिसने कि अफजल गुरु को कहा था कि मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेज रहा हूं, इसको दिल्ली में एक कमरा दिला देना और एक गाड़ी दिला देना। अफजल गुरु को क्योंकि उन्होंने प्रताड़ित किया था, डर के मारे उसने कहा ठीक है मैं करा दूंगा, उन्होंने करा दिया। और वो व्यक्ति कौन निकला? संसद के हमले में आतंकवादी निकला, जिसके आपको वहां पे उसका उसको मार गिराया हमारी फोर्सेस ने। यानी कि देवेंद्र सिंह ने उस आतंकवादी की सिफारिश की थी जो कि पार्लियामेंट हमले में शामिल था। वो देशद्रोही नहीं है। आईएसआई के लिए मध्य प्रदेश में लड़कों ने पैसा लेकर आईएसआई के लिए जासूसी की, वो देशद्रोही नहीं है। दिग्विजय सिंह देशद्रोही है उनकी नजरों में। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आपने इसको एनआईए को सौंप दिया, एनआईए का डायरेक्टर कौन है? वाई के मोदी जो गुजरात में रहने वाले हैं, असम कादर के ऑफिसर हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्होंने गुजरात में बिताया और उसमें मोदी जी को क्लीन चिट गोधरा कांड में किसने दी? उस समय वाई के मोदी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हिरेन पंड्या में के मामले में कैसे इनको बचाया? वाई के मोदी जांच कर रहे थे। उसके बाद स्वामी असीमानंद और जितने भी लोग समझौता एक्सप्रेस में पकड़े गए, उस समय डायरेक्टर एनआईए ने जो प्रोसिक्यूशन के वकील लगाए उसमें ये शामिल थे। और अब उन्हीं को काम सौंपा गया है कि देवेंद्र सिंह का केस भी उन्हीं को सौंपा गया है, उससे क्या उम्मीद करें हम लोग? हम जानना चाहते हैं केंद्र सरकार से, पुलवामा के समय देवेंद्र सिंह कहां थे? पोस्टेड एट पुलवामा। पुलवामा में पूरी सिक्योरिटी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबको खबर की हुई थी कि यहां पर फिदाई लोग आए हुए हैं और कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं। 8 फरवरी को उन्होंने मैसेज किया, 14 फरवरी को ये घटना होती है, सीआईएसएफ के लोग डीजी कहते हैं कि यहां पर बहुत हालात खराब है, हमको एयरलिफ्ट करने दीजिए, उनको इजाजत नहीं दी जाती है। और ऐसे सैनिटाइज्ड इलाके में उस लेन से रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, ब्लास्ट होता है और 44 लोग हमारे शहीद होते हैं। आज तक इंटेलिजेंस फेलियर की जांच के कोई किसी का खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कर रहे थे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी? उस समय पुलवामा में देवेंद्र सिंह मौजूद था, 3 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, उसमें से एक आतंकवादी वो था जिसने कि वहां के बिहार के मजदूरों की हत्या की थी। उस आदमी को शेरे कश्मीर का पौधा किसने दिया, मेडल किसने दिया? अमित शाह जी आपकी सरकार, गवर्नर रूल में आपने उसको देवेंद्र सिंह को शेरे कश्मीर दिया। किस बात का शेरे कश्मीर है ये? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो हालात बनते जा रहे हैं, हमें उन वर्गों में, उन लोगों में विश्वास कायम रखना पड़ेगा जो आज महसूस करते हैं कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है। देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर इस देश को
आजादी दिलाई और यहां तक हमें तरक्की के रास्ते पर ले गए। जरा हमारे बहुत ही फेमस पुलिस ऑफिसर जूलियो रोमेरो, उन्होंने अभी ब्लॉग लिखा, जरा पढ़िएगा उसको। जिस व्यक्ति ने पंजाब के आतंकवाद को खत्म किया, वो आज ये महसूस करता है कि हम लोग अपने आप को अलगाव की स्थिति में महसूस करते हैं। हम कैसे भूल जाते हैं सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पारसी थे, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई हमें जिताई। ये देश की अनेकता में एकता ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे मोदी जी, अमित शाह जी आप बिगाड़ रहे हैं। और जिस प्रकार का आज हालात हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बार बार कहा जाता था दिग्विजय सिंह मुसलमान परस्त है। मैं ना हिंदू परस्त हूं ना मुसलमान परस्त हूं, मैं देश परस्त हूं। मेरे लिए इस देश की अनेकता में एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। आई एम एन इंडियन फर्स्ट, देन आई एम ए हिंदू और वट एवर। ये भावना जब तक हम लोग कायम नहीं रखेंगे, इस देश को नहीं बचा पाएंगे। आज इस देश का मुसलमान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, निराश है, निराश है व्यवस्था से, निराश है राजनीतिक दलों से, निराश है पुलिस से। एक आशा की किरण अभी जुडिशरी बची हुई है, वो देख रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट गिराती है कि रखती है। अगर उन्होंने मोदी शाह की सरकार के इस निर्णय को अगर कायम रख लिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, तो ये दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सेक्युलरिज्म। और ये उसके बाद क्या देश में हालात होंगे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में रोष है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मूवमेंट अब हमारे सबके हाथ से निकल गया, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ से निकल गया। एक तरफ स्टूडेंट्स, एक तरफ हमारे माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज में भी मेल लीडर्स को सबको अलग कर दिया। पूरा आंदोलन महिलाओं के हाथ में चला गया, बच्चों के हाथ में चला गया। मैं अपील करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय से, कृपा कर इस पर उचित न्याय करें, अन्यथा क्या होगा देश में आगे समझ पाए। जो तथ्य आप सामने, मैं और हमारे असलम भाई, हम लोग प्रदेश में दौरा करेंगे, और भी जो लोग जो बुनियादी तौर से सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं, हम लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, और हिंदू मुसलमान एकता के लिए जी जान लगाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम चिंता नहीं करते, हो सकता हम पर हमला भी हो, हम फिक्र नहीं करते, लेकिन इस देश में सनातनी परंपराओं को कायम रखा जाएगा, और सनातनी परंपरा है गंगा जमुनी संस्कृति संस्कार, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई, सभी भाई भाई, यही परंपरा से इस देश की अनेकता की एकता ही सबसे शक्ति है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। असलम भाई से मैं कहूंगा, वो अपनी बात कहें, उसके बाद क्वेश्चन लें। आपके सवाल नहीं, मेरा पहला सवाल था। देखिए, अभी आपके सामने दिग्विजय सिंह जी ने पूरी बहुत विस्तार से बात रखी है। जो चैलेंजेस है आज देश के सामने, इस तरह के हालात जो देश में खड़े कर दिए जाए, इन हालातों का अगर देखे तो ये हिन्दुस्तानी इंसानियत और जमहूरियत दोनों पर हमला है। हमारी आज
जो चैलेंज है वो उनकी अभी जैसे देवा सिंह ने बताया क्यों मुसलमानों को महिलाएं लड़ रही, 21 महिलाओं के लिए इन्होंने ट्रिपल तलाक के लिए जिस लेवल पे इन्होंने आगे बढ़ाए और ट्रिपल तलाक को खिलाफ दिलाए, महिलाओं के लिए इन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा। लेकिन हेड में आज जो अभी दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं आज सर्दी के अंदर 0 डिग्री के अंदर बच्चों के साथ पूरे हिंदुस्तान में बैठी हैं, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा जिम्मेदार मंत्री कोई उसे बात नहीं। हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए और हिंदुस्तान की एक पहचान के लिए लड़ाई लड़ने का मौका गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जो मुझे हमारे बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी ने जब ये कहा कि असलम भाई ये लड़ाई लड़ना, मुझे वैसे ही लगा जैसे 1975 के अंदर जब हिंदुस्तान की टीम सेमीफाइनल में हार रही थी, 5-7 मिनट पहले हमारे मैनेजर ने मुझे बुला के कहा कि भारत ये बेटा अब तू ही जा, अब तेरा खुद ही बचा सकता है भारत। आज सभी के लिए ये चैलेंज है और मैं दिग्विजय सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने, मैं 35 साल से इनको जानता हूं, हम लोग साथ पार्लियामेंट में इस्तीफाई में गए, उस दिन का दिन है आज तक, सेक्युलरिज्म के मामले में, आइडिया ऑफ इंडिया के मामले में, मैं समझता हूं कि इनमें जरा सा भी फर्क नहीं है। अनफॉर्चुनेट इज भारत का, अनफॉर्चुनेट इज मध्य प्रदेश का और अनफॉर्चुनेट इज भोपाल का कि जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर होते हुए भी मध्य प्रदेश एक बेहतरीन पॉलिटिकल जगह होते हुए इस तरह से इनको आरएसएस और बीजेपी ने वो करा कि जैसे ये कोई मुस्लिम परस्त है, ये एंटी आरएसएस है, इन्होंने हमेशा देश हित में बात की। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चैलेंज है कि हमें भारत को, भारत के आइडिया को, भारत की एकता अखंडता को हम सब एक मिलकर हिंदू मुसलमान, और मैं फिर यहां से कहना चाहता हूं ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, आप लोग इसको आरएसएस कितना भी चाहे, बीजेपी कितना भी चाहे कि ये मुसलमानों की लड़ाई है, ये मुसलमान नागरिकों की लड़ाई है, हिंदुस्तान के सम्मान्य नागरिक हैं देश के अंदर, उनके वजूद की लड़ाई है, ये मजहब की लड़ाई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान जीतेगा, ये वो हिंदुस्तान जीतेगा जिसका जो सपना है ना महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और अनगिनत लोगों ने अपने सेक्रीफाइस करके भारत को बनाया। ये जरूर था कि भटकाव होता है और मैं समझता हूं कि वो भटकाने में जितने कामयाब रहे, लेकिन ये अब बराबरी का मुद्दा आया, अब वो इसको एक हिंदू राष्ट्र की शक्ल देना चाहते हैं और हम लोग पूरी ताकत से भारत में सिंगुलर राष्ट्रीय रूप बनाए रखेंगे। बाकी फैसला तो गर्म है और इस देश की जनता भी। क्या सवाल है कि क्या देवेंद्र सिंह को लाश को छुपाने की कोशिश है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने डायरेक्टर एनआईए बनाया हुआ है उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो दोषियों को, अपराधियों को बचाने का ज्यादा है, बनस्पत प्रोसिक्यूट करने का। जो तथ्य आप लगातार रखते जा रहे हैं, पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी रखती जा रही है, उस पर आम जनमानस विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा जी? आम जनमानस जो हिंदू है उनके बीच में डिवाइडेशन नजर आता है, जब भी आप बात को रखते हैं तो हिंदू मुस्लिम के ऊपर पूरी चीजें चली जाती है। बात यही है, जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय आरएसएस ने उनको लगा दिया, कभी तो कांवड़ यात्रा निकालो, कभी चुनरी यात्रा निकालो, कभी भंडारा करो, कभी ये करो, कभी वो करो। अरे मैं उन युवकों से कहना चाहता हूं कि आज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने के बारे में मांग करने के बजाय मांग करो अमित शाह से और मोदी से, अरे नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की रजिस्टर बनाइए, अनएम्प्लॉयड लोगों का रजिस्टर बनाइए। सिटीजन रजिस्टर तो हमारे पास पहले से बना हुआ है, अरे आधार कार्ड पे हमारा बायोमेट्रिक लेते हो, आंख का देखते हो आयरिस, और उसके बाद पूरा रिकॉर्ड आपके पास है। अब एनआरसी की जरूरत क्या है? आधार कार्ड आपके पास है, वोटर कार्ड आपके पास है, अब हमसे तो मांगोगे कि हमारे पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहां से लाएंगे?